नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्याम और आप देख रहे हैं श्रेयस इंफोटेक टेक चैनल। जब हम यूएएन पोर्टल पे लॉगिन होकर पीएफ के एडवांस के लिए ट्राई करते हैं तो हमें स्क्रीन पे इस तरह का मैसेज आने लगता है, जबकि हमारे पीएफ में ऑलरेडी बैंक अकाउंट ऐड हो चुका है और इसका केवाईसी भी कर चुके हैं, लेकिन तब भी यही मैसेज आ रहा है। तो दोस्तों, इसका मतलब है कि जो बैंक अकाउंट हम ऐड कर चुके हैं, यदि वो पीएफ के 2023 के नियमों के अनुसार, यानी बैंक में जो आपका नाम है वो आपके लेटेस्ट आधार और पीएफ के ऑनलाइन पोर्टल से सेम होनी चाहिए। यदि इनमें से आप कुछ भी बदलाव कर चुके तो यहाँ ऑटोमेटिक डिटेक्ट हो जाता है, फिर हम क्लेम नहीं कर पाते। और इस तरह का केवाईसी आप कितने बार भी करें तो वो फिर रिजेक्ट ही हो जाता है। इस विषय में हम एक बार बैंक में जाके अपने लेटेस्ट आधार से अपना नाम सही करवाना है, उसके बाद ही हम केवाईसी के लिए अप्लाई करनी है। वो कैसे मैं ऑनलाइन पे स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ, लेकिन अगर आप इस वीडियो पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो जैसे ही हम यूएन के मेंबर पोर्टल पे लॉगिन होते हैं, फिर यहाँ मैनेज पे जाके केवाईसी पर क्लिक करना है। अब इस विंडो में बैंक पर क्लिक करना है, फिर यहाँ अपना अकाउंट नंबर दो बार डालने के बाद अब यहाँ आईएफएससी कोड एंटर करना है, फिर वेरीफाई आईएफएससी पर क्लिक करें। तो जैसे ही वेरीफाई होता है, अब यहाँ सेव पे क्लिक करें। अब यहाँ 6 अंकों का ओटीपी एंटर करके कंफर्म करना है। अब अपना बैंक अकाउंट 10 दिन के अंदर वेरीफाई होकर अप्रूव हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।